लाइक रियली थोड़ा सा चिपाही से देखे टेस्ट कैसे आप इंतहाई खट्टा। नाजरीन आज हम आपको एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने माल्टे की एक जदीद तरीन किस्म जो है उसको दरियाफ्त कर लिया है और ये अभी आपको ज़्यादातर जगहों पे नज़र नहीं आएंगे क्योंकि अभी ये टेस्टिंग मोड में है और ये बिल्कुल जदीद तरीन पाकिस्तान ने ये माल्टे की ईजाद की है। सो हम आपको दिखाते हैं साइज़ में बिल्कुल छोटा ये पका हुआ माल्टा, ये देखें ये साइज़ में बिल्कुल छोटा एज इट इज़ माल्टा है। हम आपको इसको काट के भी दिखाएंगे, इसको हम ये देखें फुल टाइम इसका सबसे बड़ा ये है कि इसका जो फल है वो बहुत ज़्यादा लगता है। ये बताया जा रहा है कि ये जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है और इसको यूरोप और दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। ये एक नई ईजाद है, ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। अब ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें ये दो माल्टे हैं, ये तैयार है। इसका पूरा ज़बरदस्त किस्म के इसका वो है, इसका जायका भी हम आपको बताएंगे। ये अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं इस लेबॉरेटरी में या ये जो फॉर्म है इसमें सिर्फ दो अभी तक ये दरख्त है, ये देखिए ये दूसरा के इसका हम ग्रीन मोड। इसकी सबसे बड़ी ये है कि ये इतना जदीद तरीन है कि एक तरफ इसके फसल उतरती है साथ दूसरी तैयार हो जाती है। अभी लाइक हम आपको दिखाते हैं, ये देखें ये बिल्कुल तैयार है ये माल्टे, ये देखें ये फल जो है ये तैयार है। और इसी के साथ ही ये देखें ये भी कच्चा है, ये नया लग रहा है, ये भी दरमियाने मोड़ गए, यानी कि ये साल के 365 दिन इसकी फसल उतरती रहती है और ये ख़त्म नहीं होती। तो ये साल के 365 दिन चलने वाला पाकिस्तान का जदीद तरीन सिट्रस किन्नू माल्टा है। ये देखें ये देखें ये अभी ये तैयार होने वाला है, बिल्कुल ये तैयारी के मराहिल में है। ये इससे छोटे ये बिल्कुल अभी बिल्कुल छोटे हैं, ये देखें ये देखें इसके साथ ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ज़बरदस्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ईजाद अब तक की। नहीं आप अंदाज़ा करें कि एक ही दरख्त, ये देखें ये अभी कच्चे ये नए फल आ रहे हैं। और इसी के साथ ही हम आपको ये तैयार दिखा देते हैं, ये देखें ये बिल्कुल तैयार है, ये बिल्कुल तैयार है, ये भी बिल्कुल तैयार फसल है सारे। आप देख रहे होंगे इसमें कच्चे भी हैं पक्के भी हैं। ये साल के 365 दिन इसकी एक्सपोर्ट होगी और पाकिस्तान ये दुनिया भर को नहीं आ जाओ इसको सप्लाई करेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जिसकी फसल ख़त्म नहीं होती। हम मज़ीद आपको कुछ मनाजर दिखाते हैं जो अभी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कि भारी भरकम फसल लेता है, ये देखें एक छोटी सी टहनी के साथ ये कितने। अब ये देखें इसका साइज़ देखें, 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 यानी कि साल के 365 दिन ये फसल ही फसल देता रहता है। ये अभी अभी ताज़ा लग रहा है, ये देखें ये छोटे छोटे हैं अभी, ये भी छोटे छोटे हैं। अब हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं, इसका साइज बिल्कुल छोटा सा है। ये तोड़ के आपको ये हमने तोड़ लिया, ये देखें बिल्कुल जैसे माल्टा होता है वैसे का वैसे ही है। अभी हम आपके सामने इसको खोलते हैं, ये देखें ये देखें ये देखते रहे, ये इसकी छोटी छोटी डलियां भी हैं, बिल्कुल एज इट इज ये माल्टा, ये देखें ये देखते रहे आप। अब इसके सामने आपके सामने इसको खोलते हैं, यानी कि इसकी इसकी जो ऊपर जिल्द है वो इतनी नरम होती है कि आप आसानी के साथ इसको देखिए एक उंगली के साथ में एक हाथ के साथ इसको उतार रहा हूँ ताकि आपको आपके सामने इसलिए उतार रहा हूँ लाइव ताकि आप इसको इसको देख सकें।
अब इसको देखें, अब ये देखें आप इसकी इसकी डलियां देखें। ये पाकिस्तान का जदीद तरीन माल्टा है। इसकी डलियां देखिए, ये छोटी छोटी डलियां। मजीद खोलते हैं इसको ताकि ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म का किन्नू है पाकिस्तान का। और अब ये दुनिया को, ये टेस्टिंग के मराहल में थी ये फसल, तो अब ये दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा और ज़बरदस्त ईजाद पाकिस्तान के दुनिया का। इसकी छोटी सी देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का है। और इसमें इसके तीन जायके हैं, मज़ा देखें। एक ही फल के, एक ही दरख्त पर लगने वाले इस किन्नू के तीन जायके हैं। एक बहुत ज़्यादा खट्टा है, एक में मिठास है और एक फीका है। तो हम ये एक पाकिस्तान की नई और लेटेस्ट ईजाद है जो अब हम आपने आपको दिखाई। ये सिर्फ दो दरख्त हैं जो इस वक्त ज़रई फॉर्म पे टेस्टिंग के लिए इनको लगाया गया था और ये टेस्ट कामयाब हुआ है। अब हम आपकी मुलाकात ज़रई माहिर से कराते हैं जिन्होंने इसको ईजाद किया है, मोहसिन साहब नाम है। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि एक तो ये दिखाइएगा इसकी क्या खसूसियात क्या है इस किन्नू की। अच्छा अल्फत भाई, मैं आपने बचपन में इमली खाई होगी, जब ये गर्मियों का मौसम होता है तो जो आम है वहाँ पर छोटी छोटी अम्बियाँ लगी होती हैं। फिर अक्सर आप ये लॉरेंस गार्डन है या नहर किनारे चले जाएं तो गोलगप्पे हैं, और इमली का खट्टा पानी बड़ा मशहूर है। और कहा जाता है जिसने खट्टा नहीं खाया, जिसने खट्टे का मज़ा नहीं लिया, उसने ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं लिया। लेकिन ये जो किन्नू मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरे एक्सप्रेशन देख रहे हैं, और ये पाकिस्तान में पहला तजर्बा जो आया हुआ है। और आसम भाई कह रहे थे कि आप क्या खा रहे हो, अब ये आपने एक्सप्रेशन देख रहे हैं। चखे हैं, खाने की रियली थोड़ा सा चबाई से देखिए टेस्ट कैसे। अब आप इस साहब की जिसामत देखें, छोटी सी इस किन्नू की डल्ली ने इनकी चीखें निकाल दी हैं। तो ये नई तरीन जदीद तरीन ईजाद है। अच्छा भाई, ये इनकी है ना, आप तीसरा तजर्बा भी करते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। हाँ। मैं आपको बताऊंगा कि ये है कहाँ पे। इंतहाई खट्टा और मजेदार है, मतलब तश जायका है, जिसको आप अगर कह लें कि नींबू से भी तकरीबन 10 गुना ज्यादा जो है इसमें खटास है। और खास तौर पर कहा जाता है कि जो चीज खट्टी होती है उसमें जो है एक तो एक शुगर के मरीजों को लिए इस तरह की चीजें जो काफी बेहतर होती हैं, खासतौर पर ड्राई जो ग्रे फ्रूट लोग खाते हैं उनके लिए भी ये चीज लाजमन, जो इसका जायका है वो बताता होगा, ये बता रहा है कि वो उनके लिए भी काफ़ी अहम होगा। लेकिन मोहसिन आपको बताएंगे कि ये है क्या चीज़ और ये लगी कहाँ पर हुई है इस वक्त। अच्छा, तो ये शुगर के मरीजों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। खट्टा यार, इससे पहले इमली भी आपने खाई होगी, इतनी इमली ने खाई यार, बहुत खट्टा है यार। अम्बी तो खाई होगी ना कभी। अच्छा, ऐसी चीजें शुगर पेशेंट्स के लिए कैसी होती है वैसे? जी शुगर पेशेंट के लिए अब आसा भी अच्छा, नहीं वैसे मेरे में नहीं। ये शुगर पेशेंट के लिए सुना बहुत अच्छा, अच्छी बात है। वैसे खुदा का शुक्र है तो अलग शुक्र है, नहीं नहीं अलग शुक्र है अभी तक नहीं। अभी सारा आपने मासूम है दुनिया में देखा ही क्या है आपने? हाँ मैं तो जूं का तू हूँ भाई, मेरा तो मुंह सूख रहा था तो मैंने तो इसलिए, और काफ़ी दिन से मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो बताता हूँ। आप जगह बता दें अगर आप कहते हैं रवाज अफ। जी जी, ये इस किन्नू का नाम क्या है? अच्छा किन्नू से पहले आप मेरे साथ हैं जो ये आमों का बूटा है और ये भी अपनी जगह एक नायाब है। कभी इसकी अम्बी आपने खाई है? मैंने खाई है, ये भी खाई है, काफ़ी खट्टी है ये भी खट्टी है ना। आए फिर आपको पौधे के पास ले जाते हैं कि ये पौधा है कहाँ। और ये मुझे एक बात बताएं, ये जामुन का है तो आपने यहाँ का जामुन खाया? ये जामुन ग्रीन कलर का होता है जब पक जाता है। पक जाता तो खाया कभी आपने? हाँ, ये भी ये इतना ज्यादा मीठा नहीं होता। अच्छा, ये अपनी नियत के तीन फलदार पौधे हैं, जामुन का,
एक आम का और ये माल्टे का, और ये जो है मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में है, साथ में जामुन का आमों का वो ही है। और यहाँ के जामुन जितना ये तुच्छ है या अम्बी जितनी खटी है, जामुन उतने ज़्यादा मीठे हैं। और हमने बारह ये पूछने की कोशिश की कि ये कहाँ से लिया आपने, पौधे कब लगाए, और ये राज ही कोई हमें बताने को तैयार नहीं है। लेकिन आए तो ये आप कलर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत कलर दिया। आप नलतर जीत गए हैं वहाँ के रंग बिरंगे इस तरह। और इसकी फसल देखे सर, एक फसल ये फसल तैयार हो चुकी है, ये नहीं आ रही, नहीं आ रही है। यानी कि ये साल के 365 दिन ये इस तरह पहले लग रहे हैं कि ये छोटे छोटे लीमू है, ठीक है। फिर इनका आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होता जाता है, ये देखिए आप। और ये माल्टे की छोटी सी शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। और ये जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए इंसुलिन से भी बड़ा करती है, इतना इसकी खटास है कि अगर खुदा ना करे किसी को शुगर पेशेंट है तो इंसुलिन से वो अगर बचना चाहते हैं तो ये एक ताज़ा फसल भी है, फल भी है, आप ये ले सकते हैं और इससे आपको इंशाल्लाह फाका मिलेगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब।